एक तो ये लड़की फोन नहीं उठाती है। आदिया, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, मुझ पर गुस्सा हो, लेकिन प्लीज एक दफा मेरी बात तो सुनो, मुझसे बात तो करो प्लीज। आदिया, मैं वेट कर रहा हूं, मुझे प्लीज रिप्लाई करो। आदिया, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, मुझ पर गुस्सा हो, लेकिन प्लीज एक दफा मेरी बात तो सुनो, मुझसे बात तो करो प्लीज। आदिया, मैं वेट कर रहा हूं, मुझे प्लीज रिप्लाई करो। भाई, आपको सारा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। एटलीस्ट आपको उसे ऐसे रोता छोड़कर नहीं आना चाहिए था। जो भी है वो दोस्त है आपकी आखिर। तो क्या करूं, अगर अभी रोने के लिए अपने कंधा दे दूं तो इसे आदत हो जाएगी। रोने दो उसे, सहने दो ये सब। भाई, अगर आपको सारा से शादी नहीं करनी तो आप मत करें। कर लें आप हादिया से शादी, मगर प्लीज आप उसके साथ ऐसा तो मत करें। क्या वाकई आपको उसकी कोई फिक्र नहीं है? जी, सारा की फिक्र तुमसे ज्यादा है। सच कहूं तो उसके आंखों में आंसू ही नहीं देख सकता, मगर ये सब बहुत जरूरी है। मैं उसे मजीद कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। मैं ये नहीं चाहता कि वो मेरी हमदर्दी को कुछ और ही समझ ले। आदिया, आदिया, ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुम सुहेब से शादी कर रही हो? अरे मैं मोहब्बत करता हूं तुमसे, मंगेतर हूं तुम्हारा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं, मेरा और तुम्हारा जो रिश्ता था वो खत्म हो चुका है। अरे यार, कैसे कैसे आदिया, कैसे खत्म हो सकता है ये रिश्ता? मैं मंगेतर हूं तुम्हारा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, अगर तुम मुझे कहोगी मैं सबसे माफी मांगने को तैयार हूं। मैं पप्पा से जाके माफी मांगूंगा, मैं सबसे माफी मांगूंगा। तुम कहोगी मैं जाके उनके पांव भी पकड़ लूंगा, लेकिन मगर प्लीज इतना बड़ा जुल्म मत करो यार। मैं किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। ड्रामेबाजी बंद करो उमेर, तुम मोहब्बत का मतलब भी जानते हो? अगर तुम मोहब्बत करते ना तो मेरे और अपने रिश्ते की इज्जत करते, यूं मुझे सबके सामने जलील ना करते। यार मैंने माना ना, मैंने तुम्हें बोला है कि मुझसे गलती हो गई, सचमुच बदल चुका हूं। तुम एक दफा अपने अब्बू से बात तो करो। मुझे पता है आखिर तुम शौकत पापा को बोलोगी ना कि तुम अभी भी मुझसे शादी करना चाहती हो तो वो मान जाएंगे। तुम एक दफा बात करके तो देखो। आदिया, प्लीज मेरी बात का भरोसा करो, मैं बदल गया हूं। तुम एक काम करो, तुम चाहे तो अम्मी से भी पूछ सकती हो, लेकिन नहीं, तुम्हें अम्मी पे भरोसा नहीं है ना। तुम एक काम करो, तुम अब्बू से पूछ दो, या नहीं तुम दादू से भी पूछ सकती हो। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछ रहा हूं मैं। तुम जैसा घटिया इंसान कभी जिंदगी में नहीं देखा। मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। तो साफ साफ कहूं ना कि तुम्हारा और जुहेब का चक्कर पहले से चल रहा है। मुझे तो पहले से शक था, तुम्हें तो बस मौका चाहिए था यह रिश्ता तोड़ने के लिए।
और मैं घटिया? अपने आप को देखा है? अरे अपनी बहन के होने वाले शोहर के साथ। बकवास बंद करो उमेर। एक बात कान खोलकर सुन लो, शराफत से जुहेब के साथ शादी के लिए इनकार कर दो, वरना तुम अभी मुझे जानती नहीं हो। और कितना जानूंगी मैं तुम्हें? ये क्या हो रहा है भाई? हादिया, तुम अभी तक गई नहीं हो? ये आप अपने बेटे से पूछेंगे, इसने मुझे क्यों रोक के रखा हुआ है? इस लड़के ने नाक में दम कर, एहसन प्लीज। मानूर जाओ यहां से, मानूर जाओ यहां से प्लीज, जाओ। बाबा, आप मेरी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हो तो तुम्हारी मां ने तुम्हें बता दिया। मैंने तो सोचा था कि खुद अपने तरीके से बात करूंगा, मगर चलो खैर ऐसे ही सही। बाबा, आप इतने इत्मीनान के साथ कैसे बात कर सकते हैं? आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाबा प्लीज, आप ऐसा मत करें मेरी बहन के साथ। आप तो जानते हैं कि सारा जोहेब से कितनी मोहब्बत करती है। तुम्हारी एक नहीं दो बहनें हैं, और मैंने जो भी फैसला किया है वो बहुत सोच समझ कर किया है, और ये सिर्फ मेरे अकेले का ही नहीं बल्कि जोहेब का भी फैसला है। तुमने भी तो अपनी मर्जी से शादी की थी ना, तो फिर जोहेब को इसका हक क्यों नहीं? अपनी मां और बहन की तरह जज्बाती होने की जरूरत नहीं है एहसन। तुम बहन भाइयों में सबसे बड़े हो, और मेरे बाद इस पूरे घर का निजाम तुमने संभालना है। सो बी मैच्योर, ओके? अपनी मां की बातों में आने की बजाय तुम सारा को समझाओ, यही हम सबके लिए बेहतर है। अब जा सकते हो तुम। और हां, तुम्हारी बहन की शादी हो रही है, वक्त बहुत कम है।